बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज हेतु धर्मनगरी डोंगरगढ़ में दान देने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में बौद्ध धार्मिक स्थल प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जमा किया है। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ द्वारा 1,00,000 की चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की गई यह राशि जिलाधीश महोदय राजनांदगांव अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय के नाम से आवेदन बनाया गया था। उनके नहीं रहने के कारण नायब तहसीलदार रश्मि दुबे के हाथों ट्रस्टी के सचिव शैलेंद्र डोंगरे के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक चेक क्रमांक 807275 डोंगरगढ़ के माध्यम से चेक द्वारा 1,00,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की गई। यह राशि नायब तहसीलदार रश्मि दुबे के हाथों ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद खांडेकर के हस्ताक्षर युक्त चेक दिया गया। ट्रस्ट समिति के सभी सदस्यों के द्वारा प्रज्ञागिरी ट्रस्ट ने प्रार्थना करते हुए पूरे विश्व में फैली महामारी से शीघ्र मुक्ति दिलाते हुए संपूर्ण विश्व में आरोग्य प्रदान करने की कामना की। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया है तथा इसके अलावा प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति तथा अष्ट क्रीड़ा समिति की ओर से प्रत्येक वार्ड में 7, 8, 9 में खाद्य सामग्री वितरण भी किया जा रहा है जो जरूरतमंद है उन्हें।